चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और हम सभी भी बढ़िया हैं। और आज है शुक्रवार, भगवान सबका शुक्र करे। और सभी अपने कामों पर लग चुके हैं। पापा जी अपना सोफे पर लेटे हुए हैं और मम्मी जी देखते हैं क्या काम कर रही हैं। इधर अभी कर रही है पारो बर्तन साफ, अब कर रही है पूजा। और इधर मम्मी जी बना रही हैं सबके लिए चाय, सबके लिए बना रही है मम्मी जी। और ये खाने में क्या बनाए मम्मी जी? दाल, वाजी वाजी दाल 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 दाल। आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। आज बारिश है कि नहीं? बारिश तो नहीं है पर मौसम सुहाना हो रहा है, बादल हैं। आज भी शायद धूप ना निकले क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बढ़िया मौसम है एकदम, देख सकते हैं मस्त हो रहा है। बट यार बारिश वैसी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, ज़बरदस्त बारिश। और ये देखिए हमारे पेड़ पौधे ज़बरदस्त हो रहे हैं, ये भी मनी प्लांट लंबा होता जा रहा है। ये हमारा एलोवेरा का पौधा, इसकी भी खूबसूरती देखते ही बनती है। वाह जी वाह, ये हमारी तुलसी माता, जय हो तुलसी माता की। और ये देखिए मम्मी जी को सुबह सुबह कितने पसीने आ गए क्योंकि मम्मी जी ने बनाई है रसोई में चाय। ये लीजिए दोस्तों सुबह की चाय गर्मा गर्म, और साथ में है बटर वाइट बिस्किट, आप भी खाइए और मैं भी खाता हूँ। और इधर पारो ले आई है सब्जियाँ काटने के लिए क्योंकि आज बनेगी आलू और शिमला मिर्च। ये रखे आलू, शिमला मिर्च, प्याज, ये मतलब वो कटेंगे मसाले वसाले। तो आज ब्रेकफास्ट में यही है हमारा मेन्यू। मम्मी जी ने डकार मार दिया, ऐसा क्या खा लिया मम्मी जी? पता नहीं क्या हो रहा। तीनों पी लो चाय, मत पीना चाय, सही नहीं रहती, एसिडिटी हो रही है। तो ठीक है मम्मी जी। और ये दोस्तों मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करनी चालू कर दी है, तेल डाल दिया है और सदर सब्जियां काट ली हैं, मसाले काट लिए हैं, ये इधर सब्जी काट ली हैं। और ये सारे मसाले टमाटर प्याज लहसुन और हरी मिर्च, अभी कुछ ही देर में बन के हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी रेडी हो जाएगी और फिर दिखाता हूँ क्या ज़बरदस्त सब्जी बनाई है हमारी मम्मी जी ने। और लीजिए दोस्तों हमारी गर्मा गर्म आलू शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल रेडी है और देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त बनी है। तो आइए दोस्तों पार्टी कीजिए आलू शिमला मिर्च की, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। रोटी मम्मी थोड़ी देर में बनाएंगे क्योंकि अभी तो पापा जी सोए रहे हैं और मैं भी एक नींद ले लेता हूँ, अभी मुझे भी नींद से आने लग गई। और ये हो गया चम्पी टाइम, मम्मी जी की चम्पी की जा रही है पारुल के द्वारा। और हमने जो तेल यूज़ किया है वो है एलोवेरा प्लस नारियल का तेल। इसे बताते हैं कि बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, टूटते नहीं है, जबकि मेरे खुद के बाल ही कम हैं। यानी मम्मी जी तू क्या लगाता है? मम्मी लगाया तो था आपने दो दिन लगवा कर ला, कैसे सुके सुके बाल, सुके सुके बाल कोई नहीं, मैं तो नहाऊंगा अब छोड़ पर है। चलो आप लगवा लो चम्पी। और उधर ब्राउनी क्या कर रही है? ए ब्राउनी ब्राउनी, आज ब्राउनी का मेकअप होगा पारुल के द्वारा। करोगी पारुल इसका मेकअप? अच्छा लगा है तो मेकअप करवा लेगी, लिपस्टिक बिंदी सब लगा देना इसके। नेल पेंट मुश्किल से लगवाई थी। अच्छा अरे कितनी भोली सी बन के बैठ गई थी, बिल्कुल लौट गई एकदम लेट। इसे सोना खाना पीना बड़ा मस्त लगा, मौसम अच्छा हो रहा है ना, इसको सुकून मिल रहा है। अच्छा तो कह रही थी धूप निकलेगी, मैंने मना कर दी ना सूरज भगवान को, तो नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। मुझे तो नहीं दिखा जब मैं बाहर गया, पहले नहीं आपके कहने के बाद गया था शायद, याद है जब मैं कह रहा था मैं देख। हाँ अब एक हफ्ते तक सूरज भगवान नहीं दिखेंगे, वो छुट्टी पे गए हैं, अब आएंगे हमारी वर्षा देवी और वर्षा करती रहेंगी। है नहीं मम्मी जी? ठंड हो जाएगी, कितना अच्छा हो जाएगा ना, गर्मी ने आज बिल्कुल ही चाड़े पाट रखी। चलो दोस्तों मैं भी नहा धो लेता हूँ और आगे वो लोग मम्मी जी और पारुल कंटिन्यू रखेंगी। और मौसम देखिए अब कितना अच्छा हो गया, काले काले बादल हो रहे, बस बारिश आने वाली है थोड़ी देर में, बादल तो पूरे हो गए काले काले से।
पता नहीं बारिश आएगी या नहीं। सुबह तो धूप निकल रही थी, अभी हुए शाम के टाइम इतने बादल। बारिश भी लग रही आने वाली है, बस चलो देखते हैं बारिश आएगी क्या, फिर दिखाऊंगी आपको जब बारिश आएगी। और अब लगा रहे पारस भैया पोछा, शाम के टाइम तो भैया ही लगा दें वैसे एक बार, क्योंकि ब्राउनी गंदा कर दे ना बहुत इसलिए। और मम्मी बाल भारी, जा दूध लेने जाओगी मम्मी, बारिश आने वाली हो रही है और कैसे जाओ। बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं, बारीक बारीक बूंदे भी आ रही थोड़ी थोड़ी। और अब बना रही हूँ पराठों के लिए आटा, दाल डाल ले, इसमें दाल बिछरी थी सुबह की तो दाल गिर, दाल गिरी, प्याज गिरी, हरी मिर्च गिरी, अजवाइन गिरी, लाल मिर्च गिरी, मसाला गिरा, सब बनाए। सारे मसाले डाल दिए और दाल डाल दी जो बिछरी थी, चार प्याज कटी थी बड़ी बड़ी, इसके बनेंगे पराठे। और ये मम्मी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए, तिकू ने पराठे बना रही है मम्मी। और इधर बनने लग रही चाय पारस भैया के लिए, और उनका खाना पैक कर दिया टिफिन में। पसीने में बुरा हाल हो रहा, बारिश और घोट हो रहा। और ये इधर पराठा और चाय बनकर तैयार हो गया, पारस भैया को देख आ रही, ब्राउनी देख रही है इधर। लो ब्राउनी पराठा खाएगी हैं, रोटी तो खाई नहीं, दूध दूध पीवा है बस। अब भोंकेगी, अब मांगेगी पारस भैया से खाना। और मम्मी खा रही हैं अब पराठा चाय के साथ, खा लिया एक ही लिया था बस। और ब्राउनी खड़ी इंतजार में कि कब पारस भैया जाए और ये उनकी टांग पकड़ेगी। टांग पकड़ने के लिए तैयार है। आज ब्राउनी ले ले, बिस्किट ले ले, पकड़न नहीं दी बिचारी को टांग। बाय। देख रही चले गए, फिर भी देख के ही जा रही है। गए ब्राउनी भैया, अब बैठ जा आराम से, ये थोड़ी देर में वे आ जाएंगे ऑफिस से, ठीक है। और दोस्तों आज जा रहे हैं हम अपने गांव, क्योंकि कुछ काम है, पहले करनाल जाएंगे, करनाल से फिर कुरुक्षेत्र जाएंगे, और कुरुक्षेत्र से फिर गांव जाएंगे। तो आज जा रहे हैं पहले हम करनाल, क्योंकि आज करनाल जाते जाते रात हो जाएगी, क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 6। तो वहाँ पे मैं अपने कज़न के यहाँ रुकूँगा, मतलब मेरे मामा जी के लड़के हैं, और शाम को तो रात को तो वहीं रुकेंगे, फिर दिन में निकलेंगे कुरुक्षेत्र और उसके बाद गांव में। तो आपको कुरुक्षेत्र में भी मानसरोवर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा मैं कल जाएंगे तो, क्योंकि बाइक पे तो जा ही रहे हैं, बाइक राइडिंग भी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए हम लंबे लंबे सफ़र बाइक से ही करते हैं। और इधर मम्मी जी हमारे लिए बना रही है पराठे, बताओ खुद पसीने में भीग रही हैं और हमारे लिए पराठे बना रही हैं। अच्छा आलू के हैं क्या? नहीं नॉर्मल है, दाल के और प्याज है, बहुत सारे दाल और प्याज के, हरी वो इधर तो बना के भी रख दिया मम्मी जी ने। और साथ में पियेंगे हम दूध, ये रखा हमारा दूध, हाँ डाल दो मम्मी। पारुल इधर मेरे स्लीपर रख रही, क्योंकि 2 दिन लग जाएंगे। और माँ जी आराम से बैठी हैं, तुम भी चलोगे वहाँ ना? मैं इतनी दूर वहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम बाइक पर जा रहे हैं ना, तो वैसे भी नहीं जा सकती। और पापा जी इधर रेडी हो रहे हैं, प्रेस प्रेस कर रहे थे, प्रेस किस पर कर रहे थे, प्रेस तो करवा लिए थे तुमने? ये यही है ना? हाँ ठीक पकड़िए, यही है ना। तो अभी बस हम निकल रहे हैं, पापा जी रेडी हो चुके हैं, प्रेस प्रेस पापा जी ने कर लिए, तो अब चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब निकल रहे हैं हम अपने सफ़र की तरफ, तो मम्मी और माँ जी और पारुल सभी को बाय बाय। चलो दोस्तों चलते हैं फिर, ब्राउनी बाय। और दोस्तों देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और कुछ ही देर में हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, लगभग जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे, वैसे 150 किलोमीटर का रास्ता है, कम से कम लगेंगे 4 से 5 घंटे।
और 6:30 बजे हम मतलब 6:30 यहीं बज गए हैं, तो लगा लो 10:30 से 11 बज जाएंगे हमें ही जाने में करनाल। और ये देखिए दोस्तों शाम का सुंदर नज़ारा, हम पेरिफेरल एक्सप्रेस में भी चढ़ गए हैं और ये सोनीपत तक है, तो बस सीधा सोनीपत ही उतर के फिर इधर लंबा रास्ता तय करेंगे हम पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से। और ज़बरदस्त है ये, आप देख सकते हैं मस्त बनाया गया है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत टाइम बचाया है और भीड़ से भी बचाया है। और अभी भी कार्य चल ही रहे हैं बहुत सारे। तो दोस्तों अब जब सूर्यपद उतर जाएंगे पेरिफेरल से तब आपको मिलता हूँ। और ये देखिए कितनी धुंध पड़ रही है यहाँ पे और कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आपको क्या बताऊँ, बड़ा मस्त नज़ारा है दोस्तों। और मुझे लगता है जल्द जल्दी बारिश ही ना हो जाए। और ये रात हो चुकी है दोस्तों, रात के 8:15 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मोरथल। वो जहाँ पे आपको ढाबे भी दिखाए थे मैंने सब तरह के, वहीं से गुजर रहे हैं, बस कुछ देर में ढाबे भी आ जाएंगे और उसके बाद पहुंच जाएंगे फिर हम पानीपत और उसके बाद करनाल। और ये दोस्तों आ चुके हैं हम ढाबों के शहर मोरथल, यहाँ पे हैं सब तरह के ढाबे ही ढाबे, आपको दूर तक दिख रहा होगा कि ढाबे ही ढाबे जी, यहाँ पे बिल्कुल ही रौनक लगी हुई है, आपको अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा होगा क्योंकि अभी नाइट हो चुकी है ना, तो इतना अच्छा कैमरा काम नहीं कर रहा है। ये देखिए क्या चकाचौंध है मूर्थल की, लगातार ढाबे ही ढाबे हैं यहाँ पे। और दोस्तों हम रास्ते में रुके थे थोड़े से, यहाँ से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिए हमने और ये खा पी के थोड़ा चलते हैं क्योंकि थक गए हैं। लगभग हम 70 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का है। और ये लिए हमने लेस का पैकेट और 1 लीटर लिमका, सिर्फ आगे जाए कुछ चाइनीज़ वाइनीज़ देखते हैं, अभी तो यही खाते हैं हल्का फुल्का क्योंकि अभी भूख भी नहीं लगी थी इतनी। पापा जी ये खड़े हमारे, अभी कितना टाइम लगेगा पापा करनाल जाने में? 11:30 चलो जी। और दोस्तों अब पहुंच गए हम पानीपत और यहाँ रुक के हमने पानी पिया है कि घर से पानी लेके चले थे, लास्ट लेके चले थे, उसमें पानी ठंडा ही रहता है, तो अब पापा जी ने पानी पी लिया और मैंने भी पी लिया है, अब बस चल रहे हैं, अब सीधा करनाल ही रोकेंगे। और ये हम आ गए हैं करनाल अपने मतलब भाई के घर, अभी खाना वाना खा के बस लेटे हैं और अब बस सोएंगे क्योंकि थक चुके हैं, अपना पूरा 150 किलोमीटर का सफ़र था तो थोड़ा सा थकान भी हो जाती है। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।